इंडियन फ्लैग ने हमारी इतनी ज़्यादा सपोर्ट की हर जगह, जैसे मैंने बताया था कि हमारे पे भी गन्स वाला पॉइंट हुई थी, वहाँ पे भी हमने इंडियन फ्लैग लगाया था तो हम बच के आए। बॉम्बार्डिंग, हैवी शेलिंग, हैवी बॉम्बार्डिंग हो रही थी। हम जितने भी 300-400 बच्चे थे, वी वर इन कीव एम्बेसी, जो नियरेस्ट शेल्टर था उन्होंने हमें वहाँ प्रोवाइड कराया था। वी आर थैंकफुल फॉर द इंडियन एम्बेसी जो हमें, उन्होंने 3-4 दिन तक हमें शेल्टर दिया, जहाँ पूरा वर्ल्ड लगा हुआ था इस वॉर को रुकवाने के लिए। एक हमारी कंट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध के टाइम बहुत ख़राब थे। जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं या फॉरेन स्टूडेंट्स हैं या वहाँ के सिटीजन्स हैं, दे वर ऑल अंडर पैनिक। और बॉम्बार्डिंग, हैवी शेलिंग, हैवी बॉम्बार्डिंग हो रही थी। हम जितने भी 300-400 बच्चे थे, वी वर इन कीव एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी कीव, एंड वहाँ पर हम एक स्कूल में उन्होंने शेल्टर दिया था। उस शेल्टर में कोई भी बंकर्स वगैरह नहीं थे, तो जो नियरेस्ट शेल्टर था उन्होंने हमें वहाँ प्रोवाइड कराया था। वी आर थैंकफुल फॉर द इंडियन एम्बेसी जो हमें, उन्होंने 3-4 दिन तक हमें शेल्टर दिया। बट स्टिल वहाँ पे इतने बच्चे थे और हैवी बॉम्बार्डिंग हो रही थी। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो खारकिव में थे, आई एम पर्टिकुलरली फ्रॉम खारकिव यूनिवर्सिटी, सो वहाँ पे हमारे फ़ोन कॉल से बात हो रही थी और बच्चे बहुत अंडर थ्रेट थे। सीज फायर हो रहे थे, क्रॉस फायरिंग हो रही थी दोनों साइड से, and people were really under panic, but still we are thankful for Indian embassy and Indian government jinhone hame hamara saath nahi choda and they held our arms until this time, and unhone mereko yahan tak pahunchane mein bahut help ki. Sir, hamare camp mein specially Romania camp mein main tha, wahan pe Jyotirao Scindia sir ji aaye the, और मतलब उनके आने से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली सब बच्चों को, क्योंकि 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे बॉर्डर्स पे। जैसे ही सर आए, उन्होंने मतलब हमारा पूछा कि कोई भी फैसिलिटी की ज़रूरत हो, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी आप सबकी फ़्लाइट्स करवाई जाएंगी और आपको इंडिया भेजा जाएगा। और दूसरी बात सर, जहाँ पूरा वर्ल्ड लगा हुआ था इस वॉर को रुकवाने के लिए, एक हमारी कंट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है कि जो खारकिव में 6 से 8 घंटे का उन्होंने सीज़ फायर रोक दिया था, मतलब फायरिंग वगैरह सब रोक दी थी। अदरवाइज़ पूरे वर्ल्ड ने ट्राई कर लिया, अमेरिका जैसे कंट्रीज़ जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो भी ये करा नहीं पाए, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर सर की इतने अच्छे रिलेशनशिप होने के कारण ही रशिया ने हमें टाइम विंडो दी थी, ग्रीन कॉरिडोर्स बना के दिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इवैक्यूएट कर पाएँ। इंडियन फ्लैग ने हमारी इतनी ज़्यादा सपोर्ट की हर जगह, जैसे मैंने बताया था कि हमारे पे भी गन्स वाला पॉइंट हुई थी, वहाँ पे भी हमने इंडियन फ्लैग लगाया था तो हम बच के आए। इवन हमारे साथ के कुछ फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान से हैं, उन्होंने हमें बताया कि जब वो उन पे गन्स वाला पॉइंट हुई थी तो उन्होंने अपनी कंट्री का छोड़ के इंडियन फ्लैग्स वहाँ पे शो किए, जिनके कारण वो सेफली वहाँ उस सिचुएशन से निकल सके। सो इंडियन फ्लैग का काफ़ी सपोर्ट रहा हमें थ्रू आउट दी जर्नी, हमारी पॉकेट्स में था और हमने हाथ में भी पकड़ रखे थे इंडियन फ्लैग्स, अपनी चेस्ट पे लगाए हुए थे ताकि हमें कोई भी किसी तरह का नुकसान ना पहुंच सके। बहुत ज़्यादा खुश है जी, असं मतलब साडा मन भर गया जी बच्चे देख के, साड़ी अखा तरस गई असी बच्चे देखने वास्ते, असं मिल के बहुत ज़्यादा खुश हो गए और मन में चैन पै गया जी। असी मीडिया परसन का और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्हें साडे बच्चे साडे कोल पजाता, नहीं सानू कोई होप नहीं लग रही थी कि बच्चा साडा वापस आएगा।